जिन्होंने सेवा भाव से नर का सम्मान के लिए अपने जीवन भी खतरे में डाले हुए थे, ऐसे लोगों का आज इस मंच में सम्मान होने जा रहा है। कुछ हमारे होनहार छात्र हैं, मैं उनका भी नाम देना चाहूंगा। दुष्यंत महंती स्ट्रांग मैन छत्तीसगढ़, ये हमारे बाप भारत के सबसे युवा उभरता हुआ खिलाड़ी है, इसका भी इस मंच में सम्मान किया जाएगा। इसी प्रकार आप बागपारा में देख रहे हैं मुख्य मार्ग में किस प्रकार से प्रकाश व्यवस्था का सवाल सफाई व्यवस्था का पूरा बागपारा अलग नजर आता है, इसका पूरे से हम मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं उपयंत्री शशि प्रताप जी को देना चाहेंगे, इनका भी इस मंच में सम्मान किया जाएगा। इसी प्रकार फॉर्चून नेत्र हिंद विद्यालय की गुड़िया जो वर्तमान में तो वही पहली भर होने जा रही है, हम सबके लिए गौरव की बात है। एक नेत्रहीन बच्ची दौड़ में 200 मीटर में पूरे विश्व में भारत के निर्मित करेगी कुमारी ईश्वरी निषाद, इनका भी सम्मान होगा। मैं आप सभी के सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद, आप सबके सहयोग से ही जो भी कार्यक्रम हो रहा है इस मंच में, हम सिर्फ एक सिर्फ माध्यम है। आप सभी के सहयोग से जो हमें धनराशि प्राप्त हुई है उस राशि से ही पूरा आयोजन किया जा रहा है। दूसरा सब मुकाबला में चलता हुआ बिलासपुर वर्सेज महासमुंद के मध्य बिलासपुर जीरो दूसरा सेमीफाइनल महासमुंद वर्सेज बिलासपुर बिलासपुर दो महासमुंद जीरो दूसरी टीम ग्वालियर वर्सेज रैताल ग्वालियर पांच रैताल सात और रैताल जीतती है। तो संजय अग्रवाल द्वारा 2001 रुपए का भगत पुरस्कार की घोषणा की गई है। ग्वालियर की एक नंबर को हाथ करते हुए
पूरा इलाके में लगातार एक पॉइंट ग्वालियर लेते हुए 11 और तालनर ये वाला ना हवा टाइप की लग रहा थी हारे वाला Hello.
इसी मंच से हमारे नगर बड़ौदा के जो दीदियां हैं, हम लोग जब सवेरे उठते हैं घर में उनका आवाज आता है चक्र दिखाने करके, उन दीदियों का भी आज सम्मान होने जा रहा है इस मंच पर। उन आठ लोगों का सम्मान होना है, वही महान आज से निवेदन, आप आठ दीदियों का जो नाम आपने भेजा है उसको ठीक 8 बजे इस मंच के समक्ष महिलाओं के लिए जो स्टेज तैयार किया गया है उन्हें सम्मान बढ़ाने की कृपा करेंगे। ये दुनिया सबरे सबके घर में बहुत बढ़िया महासमुद की ओर से महासमुद में महिलाओं ने ग्वालियर 20 रैताल 15
अपनी कदर रहताल आलम वन प्लस टू वॉलियंटीर रहताल जूनियर बिलासपुर एक तरफा पकड़ बनाते हुए मैच ने उल्लास मानीपुरी आप मंच के समक्ष उपस्थित प्रदान करें उल्लास मानीपुरी खिलाड़ियों के लिए जितने भी दर्शक सामने खड़े हुए हैं आप सभी बैठ कर देखते पीछे वाले को भी देखने को मिलेगा रैपाल की टीम के लिए और सुनहरा अवसर विजय होते हैं ऑल आउट रैपाल वाले 41 रैपाल की बढ़िया रेट रैपाल दो अंक लेते हुए पुरुष वर्ग में बिलासपुर 29 महासमुंद को कड़ी मेहनत की आवश्यकता बिलासपुर 20 अंकों से आगे चल रही है अंतिम प्रैक्टिस पहला टीम में और ग्वालियर 44 रैताल से अरे दूधी था समझ नहीं आना कथी उसी के साथ महिला वर्ग में ग्वालियर की टीम विजयी हुई 23 अंकों के साथ उसने महिला ग्वालियर 40 रैताल 23 और 23 से ग्वालियर ने यह मैच जीत लिया है महिला वर्ग का अंतिम क्वार्टर फाइनल है जो 18 उड़ीसा वर्सेस 12 उड़ीसा दोनों उड़ीसा के टीम अंतिम क्वार्टर फाइनल में खेलेगा 18 उड़ीसा वर्सेस 12 उड़ीसा महिला वर्ग में कृपया रास्ता छोड़ दे बार बार बोला जा रहा है ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए समर्पित कर दिए हैं उसके बाद आप लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं इस मैच के मैच रेफरी होंगे मिस्टर भूषण कुमार साहू जी अंपायर होंगे मिस्टर श्रीपति साहू जी मिस्टर हेमंत सेना जी इसके अलावा होंगे मिस्टर प्रफुल्ल बारिक जी असिस्टेंट उसके होंगे विशंपा ठाकुर जी महिला वर्ग के अंतिम फाइनल दोनों उड़ीसा के टीमों के लास्ट फाइनल कॉल फॉर वुमेन सेक्शन
अपनी उपस्थिति अति शीघ्र दर्ज करें, दर्ज कराए। व्याख्या परीक्षा बारह परीक्षा लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच। हमारे बीच में दूसरा सेमीफाइनल पुरुष वर्ग चलता हुआ बिलासपुर 34 महासमुंद 14 की स्कोर पर हमारे बीच में प्रो कबड्डी खिलाड़ी गौर जी हम सब के बीच आज उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि सभी दर्शक हमारे महेश गौर जी का तालियों से स्वागत करेंगे। आयोजन कमीशन ने हमारे दो शब्द आशीर्वाद गौर जी प्रदान करें। महेश गौर जी आप हमारे सबको प्रेरणा स्वरूप अपने दो शब्द सुनने के लिए पूरे दर्शक प्रेरणा देते हुए मंच में आपका स्वागत है। दो शब्द सिर्फ दो शब्द बनिए आप हमारे दर्शकों को अपना समय प्राप्त करिए। आपको पूरे लोग देखने के लिए आए हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र से सबसे आए हुए हैं। आइए गौर जी हमारे अध्यापकों से निवेदन करें। परीक्षा आपको मात्र 30 सेकंड का समय दिया जाता है। समय का ध्यान दें, आप खिलाड़ी हैं, समय के साथ चलिए। खिलाड़ी बहुत रहे मैदान में, खिलाड़ियों के लिए हमारे प्रवेश जोरदार ताली में जाता है। खिलाड़ियों को स्वागत खाली रखे, तालियों की कमी है, ताली को बचाई नहीं रहे। खिलाड़ियों को जोश नहीं है, गर्म नहीं है खिलाड़ी, आप गर्म होंगे तो भी खिलाड़ी गर्म होंगे। इतने जोरदार ताली बजाकर खिलाड़ियों को क्या हो सकते हैं। महिला पुरुष प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का यह तीसरा दिन सेमीफाइनल में चलता हुआ बहुत ही रोमांचक मैच, कांटा भरा मैच हम सबको देखने को यहां मिल रहा है। जैन मंदिर का ग्राउंड पूर्णता भरा हुआ, खचाखच ग्राउंड भरा हुआ, महिला एवं पुरुष दोनों ही दर्शक हमारे पर्याप्त ग्राउंड में खेल का आनंद उठाते हुए आज समापन ठीक 8 बजे बहुत ही ज्यादा जोश हमारे जनता के बीच आज देखने को मिल रहा है। खेल में ऐसे टक्कर बना चल रहा है और ये दूसरे से भी फाइनल चलता हुआ बिलासपुर वर्सेस महासमुंद वर्ष पुरुष वर्ग में महिला वर्ग में भी दोनों उड़ीसा के टीम आमने सामने भारत उड़ीसा वर्सेस प्रज्ञा उड़ीसा महिला वर्ग में अंतिम क्वार्टर फाइनल दोनों उड़ीसा की टीम में 35-15 ऑफिशियल रॉक्स के लिए कृपया पानी की व्यवस्था कराएं। मंत्री पंकज लागत है।
जहां इतनी भीड़ नजर आ रही है कि खेलों का संगम, गंगा का संगम नजर आ रहा है। मैदान चारों दिशा से भरा हुआ, जितने भी आसपास पुरुष वर्ग में मैं अपने तीन थड़ों में और बिलासपुर 47-5-16 अभिजीत बड़क लेते हुए